हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये राज्य स्पेशल एमसीक्यूज का अपना मिलियन सीरीज है, जिसमें आज हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन सारे वीडियोस का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी मिलते हैं। और आप हमसे फेसबुक से जुड़ के लाइव चैट कर सकते हैं संडे को, और यहाँ पे आप अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं। जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक हेयर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है। और ये जो राज्य है वो 1 नवंबर को स्थापित हुआ था। आपने अगर पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज वाले सीरीज देखा है, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सीरीज आपने देखा है पॉलिटी का, तो वहां पे आपका जो राज्य से था रिलेटेड एमसीक्यूज, उसमें मैंने ये कवर करवाया था कि पोट्टी श्रीरामुल्लू थे एक, उन्होंने अनशन पे बैठा था और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद आंदोलन इतनी तेज हो गई हुई थी कि फिर से क्या करना पड़ा कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर स्थापित करना पड़ा राज्य को, और पहला राज्य बनकर तैयार हुआ 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो जो इसका राजकीय पशु है वो चौसिंघा है। एक हिरण की तरह जानवर होता है जिसके 4 सिंह होते हैं, ठीक है, चौसिंघा उसी का नाम है, ठीक है, उसके सिंह 4 होते हैं ऐसे ऐसे, उसमें बहुत सारे निकले होते हैं, इसको चौसिंघा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका जो राजकीय पक्षी है वो धूसर हवासील है, ठीक है, धूसर हवासील। ये इसका मैं आपको इमेज शो करता हूँ, ठीक है, इसका इमेज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है। लेकिन धूसर हवासील जो है वो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट है, जब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपको एग्जाम दीजिएगा तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानने चाहिए आंध्र प्रदेश के बारे में। और हम लोग यहाँ पे टोटली राज्य के बारे में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 0 से लेकर के और मॉडरेट तक के जितने होंगे एमसीक्यू सारे को कवर करने वाले, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक भी क्वेश्चन राज्य से रिलेटेड अगर आए तो नहीं छूटे। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि आपका क्या होता है कि नया वन विहार स्टार्ट किया जाता है और वहां से शुरू करने के बाद वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है को किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये सारे को मैंने इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश का विधानमंडल ऐसा है, क्या वो एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? बहुसदनात्मक होता नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक का है, तो इसका राइट आंसर द्विसदनात्मक होगा। आप विधानमंडल जो है, विधानमंडल इसको आप सीधे रिलेट कर लीजिए संसद से, ठीक है। जैसे संसद द्विसदनात्मक होता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक उसी तरीके से ये होता है विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों होता है, तो ठीक उसी तरीके से इसके संयुक्त रूप को हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। तो जहाँ पे विधानमंडल द्विसदनात्मक होता है, यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में वो विधानमंडल द्विसदनात्मक है। एक यहाँ पे विधानसभा होगा और दूसरा विधान परिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद को आप एक तरीके से अपर हाउस बोल सकते हैं। यहाँ पे विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या वो 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की संख्या 175 है। इसको आप लोअर हाउस की तरह बोल सकते हैं, और इसको आप लोकसभा बोल सकते हैं, LS, ठीक है, लोकसभा के इक्विवेलेंट आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? पता है आपको कि राज्यसभा में राज्य से भी सदस्य जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश से जो है राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा से जो आंध्र प्रदेश की सदस्यों की संख्या है वो 95 है। 95 सदस्य जो है
वो क्या होते हैं, लोकसभा में चुन करके जाते हैं आंध्र प्रदेश से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, मतलब हर एक 1,000 मर्द के ऊपर औरतों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, 996 और 1,000, मतलब 996 औरत होती है वहां पर, तो 1,000 मर्द होता है, ठीक है। लिंगानुपात इसका 996:1,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर क्या है। तो आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर 67.41% है। साक्षरता दर मतलब वहां के आदमी लोग जो है वो साक्षर कितने हैं। अब यहाँ पे साक्षर से मतलब है कि वो पढ़े लिखे कितने हैं, ये पूछा है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, 67.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है। तो आंध्र, पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप प्रीवियस वीडियो जो पॉलिटी 1000 MCQs वाले हैं, अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको वन बाय वन देखिए, क्योंकि वहां पे आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। तो तेलुगु जो है वो, पोट्टी श्रीरामल्लू जो थे वो तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और वहीं से तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई हुई थी। तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा, और पूरे भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो तेलुगु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आंध्र प्रदेश की जलवायु उष्णार्द है, ठीक है। बाकी हमारे ज्योग्राफी वाले सेशन में आपको पता चलेगा कि उष्णार्द का मतलब क्या होता है, आर्द का मतलब क्या होता है, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है। इसलिए जुड़े रहिए आप, और आपको जो ज्योग्राफी के सेशन है वो आपको मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को मीन शुक्रवार को, आपको शुक्रवार को ये 3 बजे मिलते हैं सेशन। तो इसलिए आप ज्योग्राफी वाले सेशन में भी बने रहिए, वहां आपको हेल्प होगा ये सारे चीजों को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न क्या है। खाद्यान्न मतलब खाने वाली जो फसल है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न क्या है। तो चावल आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा खाया जाता है, इसके साथ ही बहुत सारे खाने वाले फसल उगाए जाते हैं जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो 13 है, बाकी जिले का लिस्ट आपको दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश की नकदी फसल क्या है। नकदी फसल मतलब कि वहां से जो पैसे आने वाले फसल होते हैं उसको उगाया जाता है, तो वो तंबाकू है और गंटूर, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो गंटूर है वहां पे सबसे ज्यादा तंबाकू उगाया जाता है, जो वहां की नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी कृष्णा और गोदावरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे चीज को, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चले, केवल रिवीजन करते वक्त आप इसको रिवाइज कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। मैंने जनसंख्या को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जनसंख्या को इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि जनसंख्या सेंसस जो होते हैं वो हर एक साल चेंज होते रहते हैं, तो हर एक 10 साल पे चेंज होते हैं ये, तो 10 साल पे चेंज होते हैं, तो आप पता नहीं कब इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जनसंख्या वाला पोर्शन को छोड़ करके आप इंटरनेट कर लीजिएगा, और वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, लेकिन क्षेत्रफल जो है उसका वो चेंज नहीं होता है इतना जल्दी। अगर जब तक राज्य का आप रिसेटलमेंट नहीं होगा तब तक इसका क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा, इसलिए क्षेत्रफल वाले चीज को मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कि कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 1,60,205, 1,60,205 जो है ये इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश के पूरब में क्या है। ये अगर आप देखें तो बचपन में आपने चौहद्दी पढ़ा होगा, कि आप चौहद्दी पढ़ा होगा आपने कि इसके कोई पार्ट है, कोई पार्ट अगर है इसके उत्तर में क्या है, ठीक है, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। उसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आंध्र प्रदेश के पूरब में क्या है। तो आंध्र प्रदेश का जो ये पूरब वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इसको आप नोट डाउन करते चले। बाकी चौहद्दी आप अपने नोटबुक में खुद लिखिए, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा आंध्र प्रदेश के स्ट्रक्चर को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश की सर्वोच्च चोटी क्या है। महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन लमसम 13 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, जो आपको एमसीक्यूज में नहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दिए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख नगर है इसके बारे में आपको बता दिया गया है।
आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख नगर है वो विशाखापट्टनम है, कर्नूल है, गंटूर है, विजयवाड़ा और राजमुंद्री, ये सारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ के नगर है ये इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जिसको आप नोटबुक पे नोट डाउन करके केवल रिवाइज करते चले, आपको पता चले कि ये जगह किस कहाँ पे है, और फिर आप उसके स्ट्रक्चर से केवल क्वेश्चन को रिलेट कर पाएगा कि अगर ये है तो यहाँ की जलवायु उष्णार्द्र होगी, या फिर यहाँ पे वर्षा कितना होगा, या फिर आप यहाँ इसको आप रिलेट कर पाइएगा, इसलिए प्रमुख नगर को आप याद कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गंडूर किस राज्य में पड़ता है या विजयवाड़ा किस राज्य में पड़ता है, तो आप उस वक्त कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाए जाने वाले जो प्रमुख फसलें हैं वहाँ का, वो पहला आपने खाद्यान्न फसल में चावल देखा है कि चावल वहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है, इसके बाद गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, चीनी, गन्ना और तिलहन। तिलहन में वो सारे तिलहन उगाए जाते हैं जो आपका जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है, तो ये चीज आ गया यहाँ पे, और बाकी गन्ना मूंगफली ये सारे चीज यहाँ पे खाए जाने वाली फसलें हैं जो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ये सारे चीज जो कि पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख वन उत्पादन, मतलब कि वन से वहां पे क्या क्या चीज निकलता है ये दिया गया, तो वहां चंदन निकलता है, यूकेलिप्टस निकलता है, काजू निकलता है, कैसोरीन निकलता है और बांस, ये सारे के बारे में आपको पता होगा, चंदन पूजे के लिए आता है, इसके साथ सुगंधित वस्तु होता है ये, यूकेलिप्टस का प्रयोग भी आपको पता है, काजू जो है वो खाने के लिए आता है, कैसोरीन का प्रयोग भी आपको पता है, और बांस जनरली घर बनाने के साथ साथ और भी चीजों में यूज किया जाता है, इसको आप से बोल सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, घर के निर्माण के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ का प्रमुख खनिज जो है वो क्या क्या है, तो तांबा, अयस्क, एल्बेस्टर्स और बैरिस्टर्स, जो एल्बेस्टर्स हम लोगों के घर के ऊपर चढ़ते हैं वो यहाँ पे यहाँ की प्रमुख खनिजे हैं, कोयला, लोहा, चूना, अभ्रक और मैग्नीज, ये सारे पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये एग्जाम का वेरी VVI क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पता नहीं कितने बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो प्रमुख नृत्य जो आंध्र प्रदेश का है वो कुचिपुड़ी है, और ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, यहाँ इतनी बार ये क्वेश्चन आता है कुचिपुड़ी वाला कि आप खुद कंफ्यूजन में पड़ेगा कि ये क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर के रेलवेज तक में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप इस पे फोकस कीजिए, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख वन विहार, वन विहार मतलब कि जहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है, आप उसको पार्क बोल सकते हैं, आप उसको वन पार्क बोल सकते हैं, जहाँ पे जीव रहते हैं, जीव पार्क जिसको बोला जाता है, तो वन्य प्राणी का जो विहार है जहाँ पे वो लोग रहते हैं ये कौन कौन सा है, तो ये सारे यहाँ पे नाम दिए गए हुए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो पक्षी विहार है यहाँ का वो कोलरू है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसको आप फोकस कीजिएगा, कोलरू वहाँ का पक्षी विहार है जहाँ पे केवल पक्षी ही रहते हैं, और नागार्जुन सागर वहाँ का बाघ जो है वो टाइगर रिजर्व एरिया है ये वाला, ठीक है, इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, बाकी सारे यहाँ पे वन विहार है जहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेंगे जो आपके जंतु से रिलेटेड होंगे और पेड़ पौधे से रिलेटेड होंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन सा है, तो तिरुपति मंदिर, गोलकुंडा का किला, चार मीनार और ये जो है आपका सालार जंग का संग्रहालय, ठीक है, ये लाइब्रेरी जो है ये भी यहाँ का इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है जहाँ पे आप जाकर के घूम सकते हैं, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप राइट डाउन कीजिएगा। तो ये था फ्रेंड्स जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट MCQs थे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ करके PDF और क्विज का मजा ले सकते हैं यहाँ पे, और फेसबुक से जुड़ के आप संडे को हमसे लाइव चैट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने में। बाकी इस PDF की एक खासियत है कि जैसे ही आप टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा सारे जगह पे एक्सेस आपको मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि सारे लिंक मर्ज हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं या डायरेक्ट हमारे ये सारे पेज पे आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, और ये मिलियन सीरीज है क्योंकि यहाँ पे मिलियंस में व्यूज आने वाले हैं, आपको पता है, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।